हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हेल्थ केयर प्रोग्राम डॉक्टर मेहताज लाइफ चेंजिंग टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताते हैं और आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हम आपको यूजफुल हेल्थ टिप्स भी बताते हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार मेहता, जो कि पिछले 35 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। इन्होंने हॉलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम में बहुत सारे क्लिनिक और स्कूल चलाए हैं और अब भारत में भी इन्होंने पीडिया इंस्टीट्यूट के नाम से एक आयुर्वेदिक सेंटर खोला है, जो कि रायवाला ऋषिकेश रोड पर स्थित है। डॉक्टर मेहता ने कई किताबें लिखी हैं एंड हिज प्रोमिनेंट बुक्स आर सारा। भोपाल से जानना चाहती हैं कि कुछ भी खाती हैं तो तेजाबी मैदा बन जाता है, खट्टे डकार आते हैं, इनका मन बेचैन रहता है और काम करने की शक्ति कम हो जाती है, इनके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है? सारा जी, ये जो अभी आपने अपनी तकलीफ के बारे में जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके स्टमक में किस न किसी ढंग से ज्यादा तेजाब की प्रोडक्शन हो रही है। तो इट्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस। नंबर दो इसका कारण है ओवर ईटिंग। थर्ड है इसका कारण कि आप तेजाबी मादे वाली चीजें ज्यादा ले रहे हैं। ये तीनों को कम करिए, तीनों का ख्याल रखिए। अवॉइड टेकिंग ऑल टाइप ऑफ सिट्रस, वाइन्स, अल्कोहल, खट्टी चीजें। उसके बाद आप जरूर लीजिए सोने से पहले एक ग्लास मिल्क। मिल्क इज द ओनली एंटासिड अवेलेबल इन आवर फूड। इसके अलावा हमारा अपना योग है अग्नसिड। अग्नसिड और नीम आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आपके एरिया में कोई ना कोई किसी भी केमिस्ट से आप नीम के कैप्सूल लीजिए, वो खाइए और अग्नसिड 3 महीने तक लीजिए, उसके बाद हमें संपर्क कीजिए। अब समय हो गया है हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाली एक यूजफुल हेल्थ टिप लेने की। आयुर्वेद का मानना है कि जिंदगी में अगर खुशी से रहना है तो खुश आपको अपने आप को रखना है। उसके लिए यू हैव टू बी पैशनेट टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। एंड टू बी पैशनेट, टू बी एबल, यू हैव टू टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क विद 2 खजूर एवरी नाइट। सी द डिफरेंस। थैंक यू दोस्तों। अब समय हो गया है हमारा पता और ईमेल नोट करने का।